ठीक इज़ वेलकम वेलकम बैक टू माई चैनल विजया ब्लॉग सो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने फुटवेयर कलेक्शन जहाँ मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी वैसे तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं है मेरे पास बट फिर भी शेयर कर ही देती हूँ so, सो आज मैं आ, मेरे मायके से मेरे ससुराल से जो भी चीज़ें मिली हैं मतलब ये जो फ़ुटवेयर हैं मेरे पास वो सारी चीज़ें इधर से उधर से ही मिली हैं मैंने अपने से पर्सनली तो ऐसा कुछ नहीं खरीदा है बट फिर भी आपको बता दूँगी कि क्या है उसके बाद मुझे शादी में चढ़ाई गई थी मुझे इंगेजमेंट में चढ़ाई गई थी आ, मैं वहाँ से आई थी घर से अपने वहाँ से भी मैंने शादी के लिए आ, लिया था जो तो मेरी शादी की सैंडल थी वो ऑलरेडी टूट के फेंक आ चुकी है तो उसके लिए तो मैं कुछ बता नहीं सकती बट हो सके तो मैं आपको उसका फ़ोटो तो नहीं लिया है बट फिर भी मैं शेयर करने की कोशिश जरूर करूँगी इसके बाद स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन ये वाली मेरी फेवरेट मोस्ट फेवरेट सैंडल है ये मुझे इंगेजमेंट में मिली थी और ये बहुत ही प्यारी नहीं ये शादी में मिली थी ये बहुत ही प्यारी है मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराती है मतलब है तो बहुत, बहुत ज़्यादा हीले ही है बट आई लाइक इट मुझे बहुत अच्छी लगती है सो so, इसमें शाइनी टाइप है ऊपर और ये बहुत कैजुअली uh, भी ले सकते इसको ऑफकोर्स uh, इतना तो मैं इंडो uh, वेस्टर्न करती नहीं हूँ वेस्टर्न नहीं करती इंडियन ही रहता है तो इंडियन पर मैं ज़रूर ये पहनती हूँ और कहीं जाती हूँ तो ऑफ कोर्स ये वेयर करने की कोशिश की पार्टी वेयर टाइप भी है ये वाला तो ये मुझे पर्सनली कुछ खास ज़्यादा ही पसंद है, है इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वन इसके ऊपर ये ब्राउच लगा हुआ है ये मुझे मिला था एंगेजमेंट में और ये बहुत कंफर्टेबल चप्पल है ये थोड़ा सा दिखने में ऐसा लगेगा कि वैसा टाइप है बट बिल्कुल नहीं ये बहुत ही प्यारा चप्पल है मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये सच में ये कंफर्टेबल है गद्दीदार है और इसको हम पहन के मैं ज़्यादा प्रेफ़र करूँगी इसको अगर मैं कहीं जाती हूँ बाहर घूमने वगैरह या फिर किसी के घर तो मैं इसको ज़्यादा पहनती हूँ तो ये ज़्यादा अच्छी चप्पल है मेरे लिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ये जो मनीदार चप्पल है तो इसमें मनियाँ लगे हुए हैं जड़े बूटे जड़े बूटे करे हीरे जावरा से दिख रहे हैं गोल्डन टाइप ये वाली चप्पल इसकी स्टोरी अलग है इसको मैंने आज तक नहीं पहना है उसकी स्टोरी अलग है और इसको मैं पहनने से अब डरती भी हूँ क्योंकि मेरा वेट बढ़ गया है और वेट के हिसाब से ये चप्पल नहीं पहन सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हील है नीचे से बहुत पतला है और हील में है तो मैं डर डर लगता है मुझे मैं इसको पहन के कंफर्टेबली चल नहीं पाती हूँ फिर भी रखा है यादगार के तौर पे मैं सबसे पहले शादी में मैंने यही लिया था उसके बाद कैंसिल करके दूसरी चप्पल ली थी ये मुझे कम्फर्टेबल नहीं लग रहा था तो ठीक है ले लिया ये वाला और आ गए मेरे पास यहीं पर मेरे पास ही है अभी तक तो उसको नहीं पहना है बट कोशिश करूँगी वेट लॉस करके इसको पहनने की क्योंकि मुझे बहुत पसंद है इसके जो डिज़ाइन वगैरह है इसके जो ऊपर काम किए हुए हैं ये मुझे बहुत पर्सनली पसंद है तो फिर मैं उसके चलते हैं नेक्स्ट ये वाली वेस्टर्न टाइप चप्पल इसकी तो स्टोरी ही अलग है भाई इसने तो मेरी इतनी बेज्ज़ती करवाई है ना इस चप्पल ने कि मैं क्या ही बताऊँ इस चप्पल ने मेरी बहुत बेज़्ती करवाई है इस चप्पल ने क्या बताओ अभी बता देती छोड़ो ये चप्पल मेरी अलग ही स्टोरी है चप्पल मेरी अलग ही स्टोरी बयान करती है मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है ये मैंने मलाड नटराज मार्केट ये सो चप्पल है नटराज मार्केट से लिया है मैंने मलाड नटराज मार्केट से वहाँ से ही हम सारी चप्पल ली हूँ इसकी स्टोरी अलग है ये है ये मुझे आ, बहुत पसंद आता मतलब ऐसा चप्पल पहनने का मेरा बड़ा शौक है मुझे शूज़ पहनने का बड़ा शौक है मुझे स्टाइलिश चप्पल पहनने का बड़ा शौक है आ, तो ये मैंने हनीमून के लिए लिया था अपने थाईलैंड गई थी मैं हनीमून मून पे आ, उसकी भी फ़ोटोज़ में डालने वाली बहुत जल्दी जी हाँ ये जब भी का बर्थडे है ना दिदा के बर्थडे के बाद ही वो सारी स्टोरी सब जाने वाली कन्फर्म जाने वाली क्योंकि मेरा स्टोरी इतना भर चुका है ना कि मैं उसको डाल के डिलीट मारने वाली हूँ सो so, <coughs> ये मैं पहन के गई थी हनीमून पे और जैसे ही मैं एयरपोर्ट से उतरी एयरपोर्ट पे उतरी कैब से वैसे ही मैं एयरपोर्ट पे इस तरीके से गिरी ओहो हो हो इसमें तो गलती चप्पल की नहीं थी इसमें गलती मेरे प्लाज़ो की थी मेरा प्लाज़ो चप्पल के नीचे आ गया और मैं डिसबैलेंस हो गई और मुंह के बल में गिरी मुँह के बल मेरे घुटनों में चोट लग गई थी बट फिर भी हम थाईलैंड गए थे इतना नहीं लगी थी बट फिर भी यार बिजली तो हो गई थी Uh, उस टाइम पर तो नहीं आती लेकिन अब सोचती तो बड़ी हंसी आती है उस टाइम पर पे बड़ी बेजती हुई थी मतलब कोई बोलेगा चूड़ा पहन के लाल लाल बैग लेके मतलब न्यू मैरिड कपल और उसकी जो कपल है उसकी जो दुल्हनियाँ इस तरीके से गिर जाती है तो मेरे लिए बड़ा ही एम्बेसिंग था अभी भी मैं सोचती तो बड़ा बुरा लगता है मुझे ठीक है हो जाता है ये कोई सारे मेरे साथ ही होते हैं इसीलिए मैंने आपको शेयर कर दिया नेक्स्ट <laughs> ये वाली जूती इसमें जो मिरर वर्क है ये जूती मुझे मेरी मासी ने दिया था जी हाँ मैं यहाँ पे थी उन्होंने मुझे पूछा था जूती चाहिए मेरे ले लो तो उन्होंने मुझे ये जूती गिफ्ट किया था उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट किए हैं मेरी मोस्टली पर्सनल चीज़ें मेरी मम्मी ने या फिर मेरी मासी ने मेरी मेरा भाभी ने इन लोगों ने दी है और मुझे नहीं लगता और जो मैंने खरीदे वो खरीदे तो ये जो मेरी मासी ने दिया था नेक्स्ट दूसरी वाली जूती ये मैंने लिया था हैदराबाद से मुझे याद है ये हैदराबाद से मैंने क्योंकि मुझे ये इसलिए याद है ना कि जितने मेरे फ्रेंड्स हैं सबके लिए मैंने जूती लेकर आई थी वहाँ से हार्ट अटैक आता है मेरे को सोच के अभी अभी भी मैं सबके लिए जूती लेकर आई थी अब तो कोई पूछता भी नहीं है मतलब अब तो सब बिज़ी हैं अपनी लाइफ में आ, तो सच में सबके लिए मैं जूती लेकर आई थी हैदराबाद से एक निशानी के तौर पर मोस्टली आधे से लोग तो गए थे मेरे साथ ट्रिप पे बट जो अलग फ्रेंड्स थे उन लोगों के लिए ले मैं लेकर आई थी जूती हैदराबाद की मासी के लिए अरे मासी के लिए हैदराबाद का चूड़ा लेकर आई थी भाभी के लिए खुशी रुचि मतलब मेरी जो सिस्टर्स हैं उनके लिए जूती तो ये पर्सनली मुझे याद रहेगा कि ज़िंदगी भर और ये मेरा हैदराबाद का जूता जूती तो ओ, सारी चीज़ें हैं मेरे पास और भी हैं चप्पल्स जिसके बारे में आपको दिखाऊंगी बाद में कभी सो बस ये है मेरी कलेक्शंस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना चैनल पर अगर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अगर मैं कोई जूती चप्पल भूल रही हूँ तो मैं आगे वीडियो डाल दूँगी उसकी मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा मैं ऐसे बस याद करके बोल रही हूँ ये सब तो फोटोज़ में बाद में डाल रही हूँ तो ठीक है बस आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बात करके अपना ख्याल रखें वीडियो को लाइक करना जरूर चैनल पर नहीं है चैनल सब्सक्राइब